तो बात करते हैं आज रिपीटेड ट्रिक्स जो कि रीजनिंग, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे सभी के लिए बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 5 to 7 सेकंड में एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे अगर ये आप अच्छे से समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बिल्कुल। तो ये पहला क्वेश्चन जैसे ऐसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है रिपीटेड सीरीज़ का, ठीक है। ए बी डैश डैश ए बी बी सी ए डैश डैश ए बी डैश। तो सबसे पहले स्टेप एक काउंट करेंगे, टोटल लेटर काउंट करने हैं आपको हर क्वेश्चन में। टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल लेटर है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टोटल लेटर आएगी उनका पेयर बनाना है आपको। पेयर कुछ ऐसे बनेगा, तीन तीन के या तो चार सेट बनेंगे या चार चार के तीन सेट बनेंगे। सपोज़ अगर किसी क्वेश्चन में 15 आता है टोटल लेटर काउंट करके, तो तीन तीन के पाँच बनेंगे, पाँच पाँच के तीन बनेंगे। 16 आएगा तो चार चार के चार बनेंगे। 18 आएगा तो तीन तीन के छः बनेंगे या छः छः के तीन बनेंगे। और 20 आएगा तो चार चार के पाँच या पाँच पाँच के चार। तो कुछ इस प्रकार से इसके पेयर बनेंगे, ठीक है। ये अच्छे से पहला स्टेप देख लेना, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बिना स्टेप के करेंगे डायरेक्ट। तो ये जैसे पेयर बन गए, हमने सपोज करा तीन तीन के हमने चार पेयर बना दिए यहाँ पर। तो हमने क्या करा, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी, तीन तीन के चार पेयर, यानी कि तीन 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 तीन, और ये एक दो तीन चार पेयर हो गए, यानी कि तीन तीन के चार पेयर। इसका कहने का मतलब ये है। तो हम सबसे पहले देखो अब क्या बात करेंगे इसमें हम, तो यहाँ पर क्या है ए बी, ठीक है। इसके बाद हम मैच करेंगे पहले पेयर को सेकंड से मिला के देखते हैं सेम है क्या। बी बीच में है, ठीक है। बी के पास सी है यहाँ पर, तो यहाँ भी बी के पास सी हो जाएगा क्योंकि पहला दूसरे से मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ बी से पहले ए है, तो यहाँ भी बी से पहले ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए हो गया। अब ऐसी थर्ड वाले में देखते हैं, फोर्थ वाले में देखते हैं, बी के पास सी है, बी के बाद सी, यहाँ भी सी हो जाएगा। अब यहाँ ए के बाद ये तीनों सेम पेयर है, तो ऑब्वियसली ये भी सेम होगा, बी सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ए बी सी सी। तो ये जो इसका आंसर होगा ये होगा, ठीक है। ये देखो मैंने बिना ऑप्शन के बताया, आप बिना ऑप्शन के करना सीख जाओगे तो ऑप्शन करके आपको और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की डायरेक्ट। ये आपको होप आपको बिल्कुल रट गया होगा ये मेथड, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसी बात करेंगे, हमने क्या करा इसमें, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट को काउंट करेंगे कितने लेटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल लेटर कितने यहाँ पर, 16 लेटर हो गए। तो इसका जो पेयर बनेगा वो कितने का बनेगा, 4 × 4 का, जैसे कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, ठीक है। 4 × 4 का पेयर बनेगा। तो हम 4 × 4 को कैसे बांटेंगे, अब देखें यहाँ पर, अब 4 × 4 को, तो ये हमने चार इसका बना दिया, एक, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो ये चार चार के पेयर बना दिए हमने, चार उसमें बांट। अब पहले वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करते हैं क्या मैच कर रहा है, ठीक है। एल यहाँ है, एल के बाद एम है, यहाँ एन के बाद एम है, तो पहले वाला तो मैच कर नहीं रहा है इससे, ठीक है। अब पहले वाले को तीसरे से मैच करके देखते हैं, पहले एल है, यहाँ भी पहले एल है, ठीक है, यहाँ एम है, यहाँ डैश है, फिर एन है, फिर वो है, यानी कि आप देख रहे हो ये जो सीरीज़ है ये सेम तरह से जा रही है, यानी कि पहले वाला मैच कर रहा है तीसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आएगा इस बार वो देखिए, तो यानी कि एल एम एम, यहाँ पर एन है तीसरी डिजिट में, तो यहाँ भी एन आ जाएगा, ठीक है, ये होगी पूरी। अब एल और एन के बीच में कौन सा डिजिट है, यहाँ पर एम है, तो यहाँ भी एम आ जाएगा, ठीक है, और एल एम एन आखिरी में ओ हो जाएगा। तो ये आपको पता है पहले वाला तीसरे से मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे वाला चौथे से मैच करेगा। अब बीच में यहाँ देख रहे हो आप एन एम है, यहाँ भी एन एम है, आखिरी में यहाँ पर ओ है, तो यहाँ ओ हो जाएगा, ये हो गया ओ। अब एन से पहले सब में एल है, क्योंकि सारी सीरीज़ ये आप देखोगे गौर करके सारी सेम है, तो यहाँ भी एल हो जाएगा। तो ये सीरीज़ आपकी क्या आएगी, एन एल ओ एम ओ और L, यानी कि N L O M O L। तो ये सीरीज होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यहाँ पर अब डिजिट सबसे पहले क्या है, टोटल नंबर डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल डिजिट कितनी है, 12 है, यानी कि 12 का मतलब है या तो तीन तीन के चार पेयर बनेंगे या चार चार के तीन पेयर बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तीन तीन के चार पेयर से अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो चार चार के तीन बनाएंगे हम फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं तीन तीन के चार पेयर, अब देखो एक दो तीन, यानी कि एक दो तीन चार पेयर हमारे बन गए। अब पहले को दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं,
पहला दूसरे से कोई कंपेयर नहीं, यहाँ ई है यहाँ एफ है स्टार्टिंग में, तो आखिरी में यहाँ जी है यहाँ ये, तो पहले का कंपेरिजन नहीं होगा। थर्ड से कंपेयर करके देखते हैं, थर्ड से कंपेयर करते हैं, यहाँ देखोगे आप यहाँ आखिरी में जी है यहाँ भी जी है, बीच यहाँ बीच में एफ है, यानी कि जी से पहले एफ है, यानी कि पहला थर्ड से कंपेयर हो रहा है, तो जी से पहले एफ है यहाँ भी जी से पहले एफ हो जाएगा, ठीक है, जी से पहले एफ हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, और यहाँ एफ से पहले ई है तो यहाँ भी एफ से पहले ई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड का फोर्थ से, अब यहाँ एफ और ई सेम है, अब आप देख रहे हो सीरीज़ क्या बन रही है, पहला और थर्ड सेम है और सेकंड और फोर्थ सेम होगा, अब यहाँ ई एफ जी है यहाँ भी ई एफ जी, अब यहाँ मिस क्या है सेकंड और फोर्थ में, जी मिस है तो यहाँ जी आ जाएगा, ठीक है, ये सीरीज़ की कुछ ट्रिक्स है। तो ये हो जाएगा एफ जी ई जी, ये इसका आंसर हो जाएगा सीरीज़ का, ठीक है। तो इसके बाद टाइप टू का क्वेश्चन, ये इजी है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जर्वेशन से होगा, ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा अब, ठीक है। तो इसे कैसे देखेंगे हम, अब इसमें एम एम देख रहे हो आप, एम एम एन एन एम एन, ठीक है, एन एन, ये यानी कि सीरीज सेम चल रही है, तो इसमें कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे आप सपोज करो ये आपको सिर्फ देख के कर देना है ऑप्शन से, जैसे यहाँ एन पुट करोगे तो एन एन एम एम, फिर यहाँ एन डाल दो एन एन, फिर एम एम एन एन, फिर एम डाल दो एम एम, फिर एन एन, फिर एम एम, तो इसका आंसर क्या होगा, एन एन एम एम, ठीक है, एन एन एम एम इसका आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो मैंने आपको रिपीटेड सीरीज बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ लाऊंगा, ठीक है, और शेयर जरूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, ताकि और वीडियो मैं बना सकूँ, धन्यवाद।